इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी। मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती हूँ, इसीलिए इस समय मेरा ब्रेन यंग है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजें लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। मेरे कॉलेज के एक लेक्चर को मैं अगले 6 से 7 दिनों में 80% तक भूल जाती हूँ, इसीलिए मेरे टीचर मुझे जो भी पढ़ाते हैं मैं उन्हें साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करती जाती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा ब्रेन अब यंग नहीं है? मतलब क्या मेरी तरह मेरा ब्रेन अब एक युवा नहीं है, क्योंकि वो चीजें याद रख पाने की अपनी शक्ति को खोता जा रहा है? इसके अलावा मैं डिबेट कंपटीशन में भी अपने पॉइंट्स भूल जाती हूँ, और अक्सर अपने दोस्तों से बातें करते वक्त मैं उन सटीक शब्दों को भूल जाती हूँ जो मेरी बात को बयां कर दें। अपने दैनिक जीवन में भी हम अक्सर कुछ न कुछ भूलते रहते हैं, फिर चाहे वो कोई कीमती चीज कहीं रखकर भूल जाना हो या फिर अपने पैसे। इसके अलावा कुछ पढ़ा हुआ तो हमें खास कर भूलना ही है, वो भी एग्जाम के टाइम पर। दोस्तों, बातें भूल जाने के लक्षण मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन्स में देखे जाते हैं। वे अक्सर कुछ न कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वो समय के साथ अपने दिमाग को भी ये विश्वास दिला देते हैं कि वो कुछ भी याद नहीं रख सकते। फिर चाहे अगर वो याद रख भी पाएंगे तो उनका ये याद न रख पाने का विश्वास उन्हें सब कुछ भुला देगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड पावर्स के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए, ये तो उनकी बात हुई। हम अपने दिमाग को ऐसा विश्वास तो नहीं दिलाते कि मैं तो यंग हूं लेकिन मेरा ब्रेन सीनियर सिटीजन्स की तरह हो गया है। फिर भी हम चीजों को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा शरीर तो यंग रहता है लेकिन हमारी आदतें सीनियर सिटीजन्स की तरह हो जाती हैं, जो हमारे दिमाग की याद रख पाने की पावर्स को भी छीन लेती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल कर आप अपने दिमाग को यंग रख सकते हैं, और वो भी केवल आपकी इस यंग एज में ही नहीं बल्कि आपकी उम्र के हर पड़ाव में। सोचिए, जब आप सारी चीजें याद रख पाने की शक्ति हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों की आकर्षण का एक केंद्र बन जाते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी ये आदत आपको सफलता प्राप्त करने के हर कदम पर काम आती है। ये कॉमन स्टेप्स तो सब जानते हैं कि आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपके दिमाग पर बुरा असर करती हैं। आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, लेकिन इन्हीं के साथ अगर रिसर्च बेस्ड कुछ स्ट्रेटेजीज को जब आप फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग रॉकेट की तरह चलता है। चलिए एक बार जान लेते हैं कि वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं। नंबर 1, सीखते रहिए। देखिए, जब हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारी यंग एज में हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है क्योंकि उस समय या तो हम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें हमें हमेशा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। रिसर्च बताती है कि हमारी यही एजुकेशन हमारे दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव रखने में मदद करती है। अपने दिमाग को हमेशा यंग रखने के लिए उसे कोई ना कोई चुनौती देते रहिए। अपने लिए आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, आप किसी काम के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे खेल खेल सकते हैं जिन्हें खेलने में दिमाग की जरूरत पड़े, जैसे सुडोकू पजल्स इत्यादि। याद रखें कि आप जो भी काम करें उससे कुछ न कुछ सीख लें। आप रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग करते समय हमें शब्दों के उच्चारण के लिए दिमाग को एक्टिव रखने की जरूरत पड़ती है और हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। साथ ही इसके और भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये हैबिट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी तो अच्छा करती हैं। नंबर 2, अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करें, यानी अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें। आप किसी चीज को सीखने में जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके दिमाग का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चीजों को याद रखने के काबिल बनेगा। एक रिसर्च में कुछ लोगों को तस्वीरों का एक ऐसा सेट दिखाया गया जिनमें एक खास तरह की खुशबू आ रही थी, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें इन तस्वीरों को याद रखने के लिए कहा ही नहीं गया। और उसके ठीक बाद उन्हीं लोगों को तस्वीरों का एक ऐसा सेट दिखाया गया
जिसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं थी। इन तस्वीरों को भी याद रखने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन जब उन लोगों से पूछा गया कि आपको कौन कौन सी तस्वीरें याद हैं, तो रिजल्ट्स आश्चर्यजनक थे, क्योंकि सभी लोगों को वो ही तस्वीरें याद थी जिनसे एक खास तरह की खुशबू आ रही थी। वो बखूबी उन तस्वीरों को बयां कर पा रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें उन्हें याद नहीं थी जिनमें से खुशबू नहीं आ रही थी। इसी तरह इस रिसर्च ने ये प्रूफ कर दिया कि जब हम किसी चीज को याद रखने के लिए अपने किसी सेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे दिमाग के पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स नामक एक स्थान को एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण चीज को याद करना चाहते हो, तो उसे किसी खुशबू के साथ जोड़ दें और अपनी सेंस का इस्तेमाल करें। उन्हें एक बार याद रखें और ये आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक खास तरह की खुशबू के प्रति आपके दिमाग की स्मरण शक्ति को ये सक्रिय कर देगा। नंबर 3, स्वयं पर हमेशा विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, आपने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने गहराई से इस विषय को समझाया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस प्रकार हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास को सच्चाई में बदल देता है। इसीलिए हमेशा ये विश्वास रखें कि आप सब कुछ याद रख सकते हैं। कभी भी नकारात्मक ना सोचें और ना बोलें, और ऐसा ना कहें कि मेरा दिमाग कमजोर है और मुझे याद रखने में परेशानी होती है। आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक विचारों पर काम करने लगता है और इन्हें सच्चाई में बदलने लगता है। इसीलिए हमेशा स्वयं में विश्वास रखें और खुद से कहें कि आप सब कुछ याद रख सकते हैं, आप परफेक्ट हैं। कभी किसी भी बहाने को अपनी कमजोरी ना बनाएं। जैसे आप कभी भी ऐसा ना कहें कि मेरे सिर में उस समय चोट लग गई थी ना, इसीलिए मेरे दिमाग के याद रखने की क्षमता कमजोर हो गई है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ तो ये स्वाभाविक है। इस तरह के वाक्य कभी ना बोलें। नंबर 4, अपने दिमाग को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अक्सर हम किन्हीं खास लोगों का जन्मदिन याद रखने के लिए या तो अपने फोन में रिमाइंडर लगा लेते हैं या फिर उस डेट को कहीं नोट कर लेते हैं ताकि हमें वो दिन याद रहे। अगर आप अपने दिमाग की एनर्जी को इन चीजों को याद रखने में वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप स्मार्टफोन रिमाइंडर्स, कैलेंडर्स और प्लानर्स, शॉपिंग लिस्ट, फाइल्स, फोल्डर्स, एड्रेस बुक आदि तकनीकों का लाभ उठा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप सभी चीजों को याद रखने के लिए दिमाग पर जोर दें, याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी का बर्थडे याद रख पाना मुश्किल है और आप कैलेंडर का इस्तेमाल करते ही हैं। इसीलिए मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझदारी से कीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। दोस्तों, एक बार जब हम इन चीजों को कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, एड्रेस बुक, फाइल फोल्डर्स, कैलेंडर्स, तो ये चीजें कभी ना कभी हमारी रूटीन में आती रहती हैं, और धीरे धीरे वो सारी चीजें जब हम अक्सर देखते रहते हैं तो वो याद हो जाती हैं। अब अगर अभी मैं आपको ऐसा कहती कि आप कोशिश करें कि आप फैमिली और फ्रेंड्स के बर्थडे याद रख पाएं, तो एक बार को आप खुद ये सोचते कि ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें अपने फोन में नोट करके रखते हैं तो ये आपकी आंखों के सामने या तो किसी नोटिफिकेशन के रूप में या फिर आप फोन का इस्तेमाल जब किसी और ऐप को खोलने में करते हैं तो हमारे सामने आ ही जाती हैं। तो इस तरह से जब ये हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं तो धीरे धीरे हमें याद हो जाती हैं। नंबर 5, आप जो याद रखना चाहते हैं उन्हें दोहराएं। दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात जरूर सुनी होगी कि जोर जोर से पढ़ो और इतने जोर से पढ़ो कि मेरे कानों में आवाज आनी चाहिए। ये वाक्य अक्सर हम तब सुना करते थे जब हम छोटे बच्चे थे और माँ पापा हमें याद करवाने के लिए किताबों को जोर जोर से पढ़वाया करते थे। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, और वो ये है
कि जब आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो जोर जोर से दोहराने से आपका दिमाग इसे मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी परमानेंट रहेगी। यदि आपने समय के साथ उन चीजों का दोहराव नहीं किया तो आप धीरे धीरे ये चीजें भूलते चले जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी आपको ये याद नहीं होगा कि 8वीं क्लास में आपने चौथे चैप्टर में क्या पढ़ा था। यदि आप इन चीजों को दोहरा नहीं पाते हैं तो आप इन्हें कहीं ना कहीं लिख कर रख लें, ताकि समय समय पर आपको केवल कुछ पन्ने पलटने पर वो चीजें फिर से याद आ जाएं। कोशिश करें कि आप जो भी चीजें पढ़ें उन्हें अपने मन में ना पढ़ें, बल्कि ऐसे पढ़ें कि आपको आपके शब्द खुद सुनाई दें। नंबर 6, ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए यदि उसे जोर जोर से पढ़ा जाए या दोहराया जाए तो वो चीज हमारे दिमाग में एक मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाती है। लेकिन ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत सारी जानकारियों को बहुत कम समय में जोर जोर से दोहराकर याद रखने का प्रयास ना करें। हाँ, आप अपनी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं या फिर दोहराने के संबंध में छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले सकते हैं, ताकि आपके दिमाग को भरपूर समय मिले आपके द्वारा दोहराई गई चीजों को याद रख पाने में। नंबर 7, भरपूर नींद लें। दोस्तों, नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य में एक अहम भूमिका अदा करती है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि नींद हमारे दिमाग के एबनॉर्मल प्रोटीन्स को साफ करने में और हमारी मेमोरी बूस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद अनिवार्य रूप से लें। कोशिश करें कि ये नींद 3-4 घंटों के टुकड़ों में विभाजित होने की बजाय इकट्ठी हो। नंबर 8, दिमाग के लिए हेल्दी डाइट लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमें दिमाग के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, इसीलिए कोशिश करें कि आप जंक फूड को अवॉइड करें और मौसमी फल सब्जियां खाएं। आप फलों के जूस पिएं जिससे आपके दिमाग को ताकत मिले, क्योंकि जब खाने के बिना हमारा शरीर ही काम नहीं कर पाता तो हम अपने दिमाग से कैसी आशा रख सकते हैं। एक संतुलित आहार आपके दिमाग में सही संतुलन बनाने में सक्षम होता है। नंबर 9, मानसिक रूप से हमेशा सक्रिय रहें। दोस्तों, आपका दिमाग ठीक आपकी मसल्स की तरह है। जिस तरह आप अपने मसल्स को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करते हैं ताकि उसका शेप न खराब हो जाए, ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन का शेप भी मायने रखता है। इसके शेप को ठीक रखने के लिए हमें दिमाग की एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब विस्तार से बताने के संदर्भ में मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड गेम्स या ऐसे ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं जो आपके मेंटल स्टेट को अच्छा करते हैं और आपकी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। कुछ माइंड गेम्स के लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 10, सामाजिक रूप से सक्रिय रहें और किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव ना लें। दोस्तों, सामाजिक रूप से एक्टिव रहना यानी सोशली एक्टिव रहना हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर रखने में मदद करता है। किसी भी प्रकार की चिंता और तनाव हमारी स्मरण शक्ति को कमजोर करती हैं, इसीलिए कोशिश करें कि आप सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, समाज की किसी समस्या के समाधान के प्रति अपने सुझाव व्यक्त करें और किसी सामाजिक काम में खुद को वॉलंटियर करें। इन कामों से आपके दिमाग को न केवल एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है, बल्कि आपकी पॉजिटिविटी आपकी मेमोरी को इन्हेंस करती है। जीवन में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, चिंता उसका समाधान बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए उसकी चिंता करने की बजाय या उस परेशानी के प्रति तनावग्रस्त होकर अपना शरीर खराब करने की बजाय उसके समाधान के नए रास्ते खोजें। अपने आप को फिर से मजबूती से, आत्मविश्वास से उस चुनौती से लड़ने के प्रति तैयार करें। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। अपने दिमाग से बेस्ट फ्रेंडशिप के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।
इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।